रहता का उल्टा चश्मा। बबीता बबीता, एक मिनट, अरे ये तो गलत है। जिली बाबी ये क्या, ये लोग आपका और बबीता जी का नाम नहीं लेके चिल्ला रहे, लेकिन इनको तो आप कुछ नहीं कह रहे। क्या है जेठा भाई, अंजलि भाभी और बबीता जी के लिए तीन तीन लोग है चेयर करने के लिए। हाँ जेठा भाई, और अगर आप अंजलि भाभी और बबीता दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करेंगे तो एक सपोर्टर बढ़ जाएगा ना। एग्जैक्टली। अच्छा सॉरी, चलिए चलिए अभी गेम रिज्यूम करते हैं। ओके, एक बार स्कोर कार्ड पर नजर डाल देते हैं। हाँ। बबीता आंटी का स्कोर है 20 और अंजलि आंटी थे 17 पे। कम ऑन, अंजलि आंटी ने स्टॉप किया है, बबीता आंटी ने मारा है, और ये और एक बबीता जी, वाह जबरदस्त। बबीता आंटी को पॉइंट मिला, उनका स्कोर हो गया है 21। मैं जीत गई। अरे 21 क्या, जीत गए। हाँ जीत गए, जीत गए, जीत गए। वाह बबीता आंटी, आप तो बैडमिंटन चैंपियन निकले। थैंक यू। लेकिन वो असली चैंपियन तभी कहलाएंगे जब वो मुझे ये खेल में हराएंगे। अंकल, आप बैडमिंटन इतना अच्छा खेलते हैं? अरे अच्छा मतलब, कॉलेज में मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता था। ओ जेडालाल, अरे क्या कुछ भी बोलता है, तुम कब कॉलेज गए? अरे कब क्या, बहुत बार गया हूँ। बहुत बार? हाँ, मैं मामा के घर पे जाता था ना, तो मामा के घर के सामने एक कॉलेज था, और वो क्या कॉलेज का प्यून और सिक्योरिटी वो सब मामा के दोस्त मतलब पहचानते थे। तो कॉलेज में बम बम डम का हॉल था, तो मेरे लिए फ्री एंट्री थी, तो रोज जाके मैं खेलता था बस। ये कितना साल पहले का बात है। तो क्या हुआ, आपको क्या लगता है, वक्त के दिमाग ने मेरे बाजुओं को खोखला कर दिया? नहीं, आज भी इन बाजुओं में उतनी ताकत है, आज भी मैं जोरदार खेलता हूँ। फिर तो बबीता आंटी और जेठा अंकल के बीच में मैच होना ही चाहिए। हाँ हाँ। नहीं 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 बबीता, बहुत लेट हो गया, चलो घर जाके सो जाते हैं। अरे कितना सोना है आपको यार भाई, रोज तो सोते हैं। आज इतना बढ़िया माहौल बना है, तो एक आध मैच तो खेल सकते हैं बबीता जी। हाँ 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 हाँ, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत टाइम जाएगा। अरे ऐसा है तो हम एक छोटा सा 11 पॉइंट का मैच खेल लेते हैं। हाँ, अरे क्या, हाँ जय दलाल, मेरा बात मानो, तुम बबीता को नहीं हरा सकता। और अगर हरा दिया तो? तो कुछ नहीं, बबीता आंटी सबको रसगुल्ले खिलाएंगी, है ना? ओके डन। ओह यस, वाह। लेकिन जेठा जी, आप हारे तो? तो जय दलाल सबको एक एक मोबाइल देगा। क्या हुआ, बात ज्यादा है? ऑफ कोर्स ज्यादा है, मतलब सबको एक एक मोबाइल फोन, मतलब तो उसमें क्या है, जेठालाल बहुत बड़ा पार्टी है। क्यों जेठालाल? अरे हाँ हाँ, उसमें क्या है, मुझे चैलेंज एक्सपेक्ट है। एक्सेप्ट, जो भी आप समझ गए ना भाई। चलो भाई चलो, मैं रेडी हूँ। ओके, तो दोस्तों एक बहुत ही रोमांचक मैच होने जा रहा है, एक तरफ है जेठा अंकल और एक तरफ है बबीता आंटी। अगर बबीता आंटी हार गए तो वो सबको टेस्टी टेस्टी रसगुल्ले खिलाएंगी, और अगर जेठा अंकल हार गए तो वो सबको एक एक मोबाइल फोन देंगे। तो जेठा जी, आप कहाँ से खेलना पसंद करेंगे? कोई भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी साइड चलेगा। तो आप यहाँ से आ जाइए। ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट। हां ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कम ऑन जेठा अंकल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा इधर कोई नहीं, अच्छा थैंक यू। लाला बेटा फूल दे। कौन सा फूल, रोज का, जैस्मिन का, सनफ्लावर का?
जेठालाल इसको फूल नहीं शटल कॉक कहते हैं। हम लोग तो बचपन से इसको फूल ही बोलते हैं। फूल 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 बोलते हैं। बेटा काम कर, बबीता जी को दे, लेडीज फर्स्ट। ओके, तो इस ऐतिहासिक मैच की शुरुआत की जाए और पहले सर्व करेंगी बबीता। बबीता मैच स्टार्ट। यस कम ऑन बबीता, कम ऑन बबीता